रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन एंड रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स, दो तरह के कहते रिलेशन होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, एक तो हाउ आई रिलेट विद अदर पीपल वाइल प्रोड्यूसिंग एंड सेकेंडली व्हाट इज माय रिलेशनशिप बिटवीन विद द थिंग्स विच आई एम यूजिंग टू प्रोड्यूस, मतलब व्हाट इज माय रिलेशन विद दिस, या व्हाट इज योर रिलेशन विद योर रजिस्टर, टेल मी व्हाट इज योर रिलेशन विद दिस रजिस्टर, बेस्ट फ्रेंड, अच्छी बात है, बट फर्स्टली यू आर द ओनर ऑफ दिस रजिस्टर, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट विद दिस रजिस्टर, यू ओन इट, आप उसको फ्रेंड माने, अपना अंकल माने, कुछ भी माने, आपकी मर्जी है, आई कांट ऑब्जेक्ट टू इट बिकॉज इट इज योर प्रॉपर्टी, बट द चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग इज माई प्रॉपर्टी, उसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, ध्यान से समझ नहीं पाते. So whenever we are living in society or whenever we are into a production process, then we are having relation between various things, with various things, and these relations differ. लेकिन आप ये रजिस्टर पे लिख नहीं सकते बिना चेयर पे बैठे, मतलब जो चीज़ मेरी है उसके बिना आपकी प्रोडक्शन संभव नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपकी है उसके बिना भी संभव नहीं है. अगर आपके पास रजिस्टर नहीं होगा तो लिखेंगे क्या, अगर आपके पास चेयर नहीं होगी तो खड़े होकर रजिस्टर पे कैसे लिखोगे. डेप्थ देखो, बात बड़ी छोटी सी है बट लेकिन कितनी फंडामेंटल है, सी द फंडामेंटल करेक्टर ऑफ दिस थिंग. एंड यही यही हमारी दुनिया है, इसी में हम बंधे हुए हैं. क्या ये प्रोडक्शन पॉसिबल है आप सबके बिना, अगर यहां पे एक ही बच्चा बैठा हो तो हाउ इज इट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल हो पाएगा. मैं ही ना हूं, पढ़ोगे क्या, मैन एंड मैन. सो कहते दो तरह के रिलेशन है बिटवीन मैन एंड मैन एंड थिंग्स. द रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन. वो कहता है जब प्रोडक्शन होती है तो कोई एक व्यक्ति डोमिनेट करता है, कोई सबॉर्डिनेट होता है, एंड द रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओनरशिप एंड नॉन ओनरशिप. रिमेंबर थिंग, मार्क्स ने ये क्लासिफिकेशन इस तरह से नहीं दी, लेकिन दिस इज व्हाट इज द क्रक्स नाउ डेज. कई पुरानी किताबें आपको मिलेंगी जिसके अंदर ये क्लासिफिकेशन इस तरह से नहीं दिए हैं, तो वो पुरानी हो गई. अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है या लेटेस्ट जो बुक्स हैं वो इस क्लासिफिकेशन को यूज़ कर रही हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज ड्रॉन फ्रॉम राइटिंग ऑफ मार्क्स, है ना. वो कहता है मैन और मैन के बीच में रिलेशन क्या होते हैं, डोमिनेशन एंड सबॉर्डिनेशन के, एंड बिटवीन मैन एंड थिंग्स ओनरशिप के या नॉन, या तो मैं कोई चीज़ को ओन करता हूँ या मैं नहीं ओन करता. याद करो मास्टर्स एंड स्लेव्स, मास्टर एंड स्लेव्स याद करो, करा था हमने इन द टॉपिक ऑफ डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन आई थिंक. तो फर्स्ट सिस्टम हमने क्या था, स्लेव सिस्टम. तो हमने कहा था स्लेव इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मास्टर, तो मतलब हु इज डोमिनेटिंग. यहां एक मैन क्या बन गया, मास्टर, और दूसरा क्या बन गया, स्लेव. तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मास्टर इज डोमिनेटिंग द स्लेव, डन. अब स्लेव प्रोड्यूस कर रहा है तो सारी जो चीजें स्लेव यूज कर रहा है फॉर प्रोडक्शन वो किसकी है, मास्टर की. तो ही इज द सबॉर्डिनेट एट द सेम टाइम नॉन ओनर, क्योंकि ही डजंट ओन एनीथिंग, ही इवन हिज ओन बॉडी इज डजंट बिलोंग टू हिम बिकॉज ही इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास्टर. इवन हिज ओन बॉडी इज नॉट हिज, he cannot die. If he commits suicide, it's a crime.
फिर मैं सोचता हूँ वैसे लाइटली नॉट वेरी सीरियसली कि जो ये सुसाइड के साथ स्टिग्मा लगा रखा है कि भाई आप मर नहीं सकते, ये स्लेव सोसाइटी का ही है भाई। मेरी जिंदगी, मैं मरना चाहता हूँ तो मेरी मर्जी। हु इज द कोर्ट टू स्टॉप मी? समबडी इज टेलिंग मी यू कैन नॉट डाई। व्हेन आई टुक बर्थ इन दिस, तब किसी ने मेरे से पूछा था? एक बात है, कैन यू रिलेट? नॉट गिविंग फ्रीडम टू डेथ ऑफ डेथ यूथनेजिया इज अ रेमिनिसेंस ऑफ स्लेव सोसाइटी वेयर स्लेव्स वर नॉट इवन एंटाइटल्ड टू कमिट सुसाइड एंड इफ दे कमिटेड सुसाइड वॉज कंसिडर्ड एज अ क्राइम, क्योंकि यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर ओन बॉडी, तो आप मरने वाले होते कौन हो? अपने आप को मारने वाले आप होते कौन हो? एंड लॉट ऑफ स्लेव्स यूज टू कमिट सुसाइड इन एंग्विश, इन डिस्ट्रेस। स्लेव सुसाइड्स वर मोस्ट वेरी कॉमन इन एंशियंट सोसाइटीज बिकॉज दे डिडंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। भाग के जा नहीं सकते कहीं, वो भाग के जाने को जगह नहीं है, सुसाइड। बड़ी किताबें लिखी गई हैं इस पर, बड़ी मूवीज भी बनी हुई हैं इंग्लिश, बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज बनी हैं। वेरी टचिंग डिस्क्रिप्शन, डिपिक्शन ऑफ द स्टेट इन विच स्लेव्स यूज टू लिव। तो दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशन मार्क्स इज टॉकिंग ऑफ, ठीक है ना? तो लिखो रिलेशन, अब हेडिंग दो मैन डैश मैन रिलेशन। अब थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, बसता नहीं है कुछ इतने डीप एनालिसिस के बाद इसमें। रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन, द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन इन द एग्जिस्टिंग सोसाइटीज is one of within quotes antagonistic cooperation, antagonistic cooperation ki matlab antagonistic cooperation। एंटागोनिज्म का मतलब अभी के लिए एक हिडन हेट्रेड, इजंट इट, एक हिडन कॉन्फ्लिक्ट एंटागोनिज्म है ना। विजुलाइज अ टीचर हु इज टीचिंग अ स्टूडेंट, ट्यूशन पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो बैठा पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, वो खेलना चाहता है लेकिन टीचर ने उसको पेरेंट्स को पढ़ बैठ के। अब वो जब वो दोनों टीचर और स्टूडेंट बैठे हैं उनको ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा, आपको मतलब समझ आ जाएगा एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन का, कि बोथ आर कोऑपरेटिंग, पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चा एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन। फिर ऐसा भी हो सकता कि वो एंटागोनिज्म ओपन हो जाए, मैं नहीं पढ़ता जाओ करने को करना, वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंटागोनिज्म होगी, स्ट्रगल की फॉर्म में आ गई कि उसने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। अब स्ट्रगल से भी आगे एक लेवल चला गया, स्ट्रगल कन्फ्लिक्ट, थप्पड़ पड़ा कान पे, नहीं पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, थप्पड़ पड़ा एक और, अब ये क्या आ गया, ओपन कन्फ्लिक्ट,